हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोफिया आर्यन किचन। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट स्वीट्स की रेसिपी, जो कि आप 10 मिनट में बना सकते हैं। तो हम यहां पर बनाएंगे ब्रेड रसमलाई। तो इसके लिए हमें लेना है दूध। तो यहां पर छोटे वाले गिलास से मैंने एक गिलास ये दूध ले लिया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी का क्वान्टिटी कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। 2 इलायची को छोटे छोटे मतलब कि छुड़ा करके ले लिया है। थोड़ा सा केसर के धागे ऐड कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा। पर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो रसमलाई में केसर जरूर से पड़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको उबाल लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके इसको नहीं उबालना है, बस हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तब तक यहाँ पर हम कस्टर्ड का एक स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर वाला मतलब कि दूध मैंने ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वेनिला फ्लेवर का यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से, लंग्स फ्री इसको बना लेंगे। और ये कस्टर्ड पाउडर ये रसमलाई के ऊपर हम जब डालेंगे ना, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है हमारी रसमलाई में। तो अब ज़रूर से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। और ये देखिए स्लरी बनकर के यहाँ पर रेडी हो गया है। तो अभी इसको हम ये दूध के ऊपर डालेंगे और दूध में देखिए अच्छा सा कलर आ गया है और ये थोड़ा सा उबल भी गया है। तो इसको और ज़्यादा गाढ़ा करके हमें नहीं उबलना है। अभी यहाँ पर हम डाल देंगे ये कस्टर्ड का स्लरी। तो एक ही साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए इसको। एक हाथ में डालिए और एक हाथ में इसको मिक्स कर लीजिए। अगर इसे ही छोड़ देंगे तो ये गुठलिया की तरह हो जाएगा, लंग्स पड़ने लगेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहिए और इसको जैसे ही इसको डालेंगे ना, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है बिल्कुल भी, थोड़ा सा इसको पतला ही रखेंगे। तो ये देखिए बन करके रेडी हो गया। इससे ही हमें टेक्सचर चाहिए। अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी एक मलाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मलाई ले लिया है, देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश मलाई लेने के लिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल खोया की जैसा टेस्ट आएगा। चीनी डाल देंगे हम 1 छोटे चम्मच, एक छोटे चम्मच यहाँ पर चीनी डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। और इसका देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी है, इस तरह का होना चाहिए। अभी इसको हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ले लिया है, इसके ऊपर हम ये मलाई को हम डाल देंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको डाल देना है, इसके ऊपर लगा लेना है। आप इसके बिना भी बना सकते हैं, पर ये जब ये मलाई डाल कर के आप ये रसमलाई बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। अभी इसको हमें कट कर लेना है। तो आपको छोटा बड़ा जिस भी साइज का आपको ये ब्रेड रसमलाई चाहिए, उसी के हिसाब से कट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 1 ब्रेड को 6 पीस में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये बीच में पीस को कट कर लिया और ये मीडियम साइज का ये ब्रेड रसमलाई बनकर के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, पर इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करूँगी, छोटा छोटा रसमलाई बनाऊँगी। तो इसको बीच में मैं और थोड़ा सा इसको मैंने कट कर लिया, देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे रसमलाई बन करके रेडी हो गया है। 1 ब्रेड को मैंने 6 पीस में यहाँ पर कट कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। और इसका जो ब्राउन वाला जो पार्ट्स होता है ना, इसको मैं निकालने के लिए पहले ही भूल गई थी, तो अब पहले ही निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे ये ब्रेड्स को ब्राउन वाला पार्ट्स को निकाल लिया है, देख सकते हैं। और ये बिल्कुल रेडी है अभी इसको सर्व करने के लिए। तो चलिए अभी इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लेट में इसको अच्छी तरह से सजा देना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको सजा लिया है। अभी इसका मतलब ये जो मिक्सचर था ना, कस्टर्ड पाउडर मिल्क का, इसको हम डाल देंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया गया क्योंकि हमने ये ब्रेड को मतलब कि सादा वाला दूध में इसको डिप नहीं किए हैं। सादा वाला दूध में डिप करने से मतलब कि थोड़ा सा फीका लगता है। यह कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिल्क होगा वो मतलब कि जब ब्रेड के अंदर जाएगा ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएगा और थोड़ा सा पतला करके बनाइएगा, क्योंकि ये जब ब्रेड ऑब्जर्व कर लेगा तो थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो जाएगा तो वो कम भी हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा केसर के धागे में ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, या फिर काजू वगैरह आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसको थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रख लेना है 10 से 15 मिनट के, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा रसमलाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसको थोड़ा देर के लिए ऑब्जर्व होने दीजिए,
4 से 5 मिनट के लिए और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लीजिए। और ये देखिए इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई बनकर के रेडी हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली ये रसमलाई बनकर के रेडी हो गया है। 10 मिनट में आप इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।